हाय एवरीवन, फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि इंस्टाग्राम में ड्राफ्ट में से डिलीट हुए रील्स को वापस कैसे लाया जाता है। दोस्तों इस वीडियो को देखते रहिएगा तो आप लोग जान जाइएगा कि जो आपका ड्राफ्ट में से रील्स जो डिलीट हो गया है कैसे उसे आप लोग वापस ला सकते हैं। इस वीडियो में आपको तरीका बताने वाले हैं दोस्तों, यह भी बताएंगे कि होगा या नहीं होगा, इस पर भी हम लोग चर्चा जो कि करने वाले हैं। तो मेरा नाम गुलशन, आप देख रहे हैं बर्मा टेक चैनल, अपना चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग इंस्टाग्राम ऐप को ओपन करेंगे, जितना सारा हम प्रोसेस करेंगे यहां पर आपको नजर जो कि आएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों हम इंस्टाग्राम ऐप को ओपन कर दीजिए। ओपन करने के बाद हमारे सामने होम पेज ओपन हो चुका है। होम पेज ओपन हो जाने के बाद देखिए यहां पर जो आपको यहां पर प्रोफाइल का आइकन दिखने नजर आ रहा होगा, इस पे हम लोग क्लिक करने वाले हैं। यहां पे क्लिक करने के बाद आप लोग देख रहे होंगे हमारा रील्स एक ड्राफ्ट में होगा। चलिए हम रील्स वाले आइकन पे क्लिक करेंगे। देखिए हमारा जो रील्स है अभी ड्राफ्ट में है, इस पे हम लोग क्लिक करेंगे। अगर आप इसे डिलीट कर देते हैं तो वापस लाने का कोई दोस्तों संभावना नहीं है दोस्तों, क्योंकि जो ये आपका रील्स जो आपने अपलोड किया है, जो ये आपका ड्राफ्ट में है दोस्तों, पूरी तरीके से अपलोड नहीं हुआ है। तो ये जो इंस्टाग्राम पर डाटा जो स्टोरेज होता है वहां पर ये स्टोरेज जो कि नहीं हुआ है, ऐसे में केवल एक कच्चा फाइल आपका है। अगर आपका रील्स अगर आप डिलीट मारते हैं, देखिए जो ये आपका रील्स है, ये रील्स है, अगर आप इस रील्स को डिलीट करते हैं, यहाँ पर चलिए हम डिलीट करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए आप डिलीट हम लोग करेंगे, यहाँ पर डिलीट जो कि हम लोग कर दिए। डिलीट करने के बाद चलिए हम इस रील्स को वापस ला सकते हैं। इसको वापस लाने के लिए आपको करना क्या होगा, इस पर आपको क्लिक करना होगा। एंड यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखिए आपको ऑप्शन नजर आ रहा होगा योर एक्टिविटी, इस ऑप्शन पर हम लोग क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे क्लिक करने के बाद ऑप्शन मिल रहा है रिसेंट डिलीटेड का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर हम लोग क्लिक करने वाले हैं। यहाँ से क्लिक करने के बाद जो हमने रील्स जो डिलीट किया हुआ है, देखिए इस पर हम क्लिक कर रहे हैं। 30 दिनों के अंदर इस रील्स को आप लोग रीस्टोर कर सकते हैं, 30 दिनों के बाद इसे आप लोग रीस्टोर जो कि नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा एंड यहाँ पर रीस्टोर ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। देखिए यहाँ बोल रहा है कि आप रील को रीस्टोर जो कि कर रहे हैं। तो आपको बताना चाहेंगे दोस्तों 30 दिनों के बाद इस रील्स को आप लोग रीस्टोर जो कि नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं व्यू ऑन प्रोफाइल, हमारा प्रोफाइल पर जो रील्स है जो कि चला गया दोस्तों। तो उसी तरीके से दोस्तों जो आपका ड्राफ्ट में रील्स है, अगर इस रील्स को अपडेट कर देते हैं तो वापस लाने का कोई संभावना नहीं है, क्योंकि ये आपका कच्चा फाइल है, ये आपने पूरी तरीके से अपलोड नहीं किया हुआ है। एंड अपलोड नहीं किया हुआ है तो यहाँ से आपने डिलीट कर दिया है। डिलीट होने के बावजूद आपको जो ड्राफ्ट का जो ऑप्शन है वहाँ पर अभी देखने को मिल रहा है कि हमारे ड्राफ्ट में रील्स है। अगर हम यहाँ से क्लिक करेंगे, यहाँ पर सिलेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर करने के बाद हम डिस्कार्ड ऑप्शन पर क्लिक, अगर हम जब यहाँ पर डिस्कार्ड कर देंगे तो यहाँ से वापस लाने का कोई ऑप्शन नहीं है दोस्तों, कोई भी ट्रिक नहीं है। काफी लोग का भाई लोग कमेंट था कि जो हमारा रील्स ड्राफ्ट में है वो डिलीट हो चुका है, तो क्या वो वापस आ सकता है या नहीं आ सकता है। तो भाई लोग काफी कंफ्यूज, हमने सोचा क्यों ना चलिए एक इस पर वीडियो फुल डिटेल बना दिया जाए कि क्या रील्स जो डिलीट होगा ड्राफ्ट में से वो वापस आएगा या नहीं आएगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग समझ गए होंगे कि मेरा कहने का मतलब क्या है, कि जो आपका रील्स ड्राफ्ट में से डिलीट हो चुका है उसे वापस कोई नहीं ला सकता है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए आपको डिलीट करने से पहले, ड्राफ्ट डिलीट करने से पहले आप लोग देख लेना होगा, सोच समझ कर डिलीट आपको करना होगा। आपको बताना चाहेंगे दोस्तों न्यू एक ऑप्शन आ चुका है, ड्राफ्ट आप लोग यहाँ से मैनेज भी कर सकते हैं। प्रोफेशनल डैशबोर्ड आपको क्लिक करना होगा एंड यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको नजर आ रहा होगा दोस्तों ड्राफ्ट का यहाँ पर ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप देख रहे होंगे हमारा रील्स, यहाँ पर रील्स में आपको सेशन में आप लोग नजर आ रहा होगा, रील्स में आप देख लेंगे हमारा एक रील्स जो कि अभी ड्राफ्ट में है। इस तरीके से अगर आपका पोस्ट होगा तो यहाँ पर पोस्ट नजर आएगा, स्टोरी में होता स्टोरी में नजर जो कि आने वाला है। मैनेज पे क्लिक कर इसे आप लोग यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं दोस्तों। तो हमें डिलीट नहीं करना है, हमने आपको ऑप्शन देखिए बता दिया कि यहाँ पर ऑप्शन देखिए जुड़ चुका है दोस्तों। तो यह भी आपको बता दिया कि जो आपका इंस्टाग्राम में जिस ड्राफ्ट में होगा अगर उसने आपने डिलीट कर दिया हो तो वो वापस आएगा या नहीं आएगा, वो नहीं आएगा दोस्तों। तो इस वीडियो में बताएं दोस्तों। तो जय हिंद जय भारत।